बार रास्ते में हुर का लश्कर आया, जनाब हुर के मसाइब दो दिन बाद आ रहे हैं, तफसील उसमें पढ़ूंगा। और आका हुसैन के काफिले का रुख मोड़ा गया। अब ये काफिला चल रहा है और इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं, अननोन डेस्टिनेशन। इधर हुर कासिद के जरिए अपने जियाद को खत लिख के इत्तला कर रहा है कि हुसैन मेरे साथ है, मैंने उनको कूफे के रास्ते से हटा दिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। मगर इससे पहले कि वहां से कोई हुक्म आए, दो मुहर्रम की सपहर का वक्त है, चलते चलते हुसैन की सवारी के जानवर ने ठोकर खाई। आप हजरात सारी जिंदगी आका हुसैन की आजादारी में मसरूफ रहे हैं और इसी को अपनी सबसे बड़ी सआदत और कामयाबी समझ रहे हैं। फातिमा जहरा की दुआ जिस मोमिन को मिल जाए उससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन है। खास तौर पर अय्याम अज़ा का पहला अशरा आराम के वक्त बदल गए, खाने पीने के औकात बदल गए, पूरी जिंदगी का अंदाज बदल गया, मगर ये कोई हक अदा नहीं किया आपने। आका हुसैन का एक जुमला काफी है, एक जुमला। और मैं ये चेहरे भी देख रहा हूं इस मजमे के अंदर, आका हुसैन का एक जुमला। कौन सा जुमला? दो मुहर्रम का काफिला चल रहा, चलते चलते जुलजना ने ठोकर खाई और रुक गया। जुलजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आका हुसैन के इशारे पे हरकत करने वाला। बल्कि जुलजना तो हुसैन का इतना मिजाज जानता कि हुसैन को इशारा भी नहीं करना होता है, जुलजना को मालूम है किस वक्त मुझे क्या करना। जिंदगी में दो ऐसे मौके आए कि बज़ाहिर ऐसा लगा कि जुलजना आज हुसैन का हुक्म नहीं मान रहा। दूसरा मौका था जब सकीना जुलजना की टांगों से आके लिपटी, वही जुलजना था, लेकिन असरे आशूर वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। वो मंजिल आएगी आशूर के मसाइब में। और आज पहला मौका है कि जुलजना ने ठोकर खाई और रुक गया। अब असहाब इमाम खास तौर पर आका हुसैन के काफिले का जो इंतजाम करने वाली शख्सियत है अबुल फजल अब्बास, कोशिश कर रहे जुलजना आगे नहीं बढ़। आका अब्बास ने कहा मौला शायद ये बहुत थक गया, सवारी का जानवर बदले। जुलजना को बदल के दूसरा जानवर लाया गया, उस पर हुसैन बैठे, एक कदम चला ठोकर खा के वो भी रुक गया। रिवायतों में है कि सात जानवर बदले गए, मगर आज कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। असहाबे इमाम हैरान, बनी हाशिम के शहजादे परेशान कि आखिर क्या हो गया। कायनात की हर मखलूक इमाम का हुक्म मानती है, ये तो हुसैन की जिंदगी पर खिदमत करने वाले सवारी के जानवर। सब परेशान है। आका हुसैन ने कहा अब्बास देखो, करीब में कोई कबीला रहता है, कुछ लोग रहते हैं, तो उनको लेके आओ। करीब तरीन कबीला बनी असद का कबीला। अल्लाह कभी आपको आशूर के दिन करबला ले जाए और बनी असद के कबीले को जिस अंदाज से आप आता देखें। बनी असद का कबीला करीब में रहता है, बुलाया गया। हुसैन ने कहा ये बताओ ये जगह कौन सी है जहां मेरी सवारी का जानवर रुक गया। आका सब जानते हैं लेकिन असहाब को भी बताना। एक बार किसी ने कहा कि मौला ये शत्तुल फुरात। आका हुसैन ने कहा शायद इसका कोई और नाम। किसी ने कहा कि मौला इसको गाजरिया भी कहते। आका ने कहा शायद इसका कोई और नाम। किसी ने कहा मौला इसे नैनवा भी कहते। मौला ने कहा शायद इसका कोई और नाम। सब एक दूसरे को देखने लगे कि मौला इसके अलावा तो कोई नाम नहीं। कहा देखो शायद तुम्हारे कबीले में कोई बहुत ही बूढ़ा, उसको लेकर आओ। एक वाकान इतना बुजुर्ग था कि जो आने की ताकत नहीं थी उठा के लाया गया। आका ने कहा तू बता सकता इस जमीन का कोई और नाम भी? कहा कि हाँ, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि इस जमीन को करबो बला भी कहते हैं। वह करबला का नाम सुनना है। हुसैन ने आवाज दी अब्बास सारी सवारियां बिठा लो, खेमे लगाए जाए, सैदानियों को उतारा जाए, अब हमें यहां पे कयाम करना। वह इतना सुनना था, दो जुमले, इतना सुनना था। एक मर्तबा वही बूढ़ा तड़प उठा जो हाथों में उठा के लाया गया। फरजंद रसूल यहां पे कयाम न करें, यहां पे न ठहरें, अगर ठहरना ही है तो जरा आगे जाके ठहर जाइए। आका ने पूछा क्यों?
कहा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि कोई नबी जमीन से नहीं गुजरा, कोई वली जमीन से नहीं गुजरा, कोई नबी की औलाद ही जमीन से नहीं गुजरी, मगर उसके बदन से खून जारी हुआ। ये नबी जादों को मुवाफिक नहीं आती जमीन। आका हुसैन ने कहा तूने खाली इतना सुना है और मुझे तो पता है ये वही जगह है जहां हमारी गर्दनें कटेंगी, हमारे बेसर के लाशें जलती रेती में पड़े रहेंगे, हमें अपने जवानों के लाशें उठाना पड़ेंगे। अब्बास खेमे लगाओ, ऊंटों को बिठाओ, सैदारियों को खेमों में ले जाओ। अभी पहला ही खेमा लगा, सानिये जारा शरीकतुल हुसैन ज़ैनब कुबरा खेमे में गई, फिज़ा को बुलाया, अम्मा जरा जाके मेरे भाई को मेरा पैगाम तो देना। हुसैन आए, ज़ैनब क्या बात है, अभी बनी असद से मेरी बातें जारी हैं, क्यों बुलाया? ज़ैनब ने कहा हुसैन फौरन आ गए। ज़ैनब ने कहा भैया ये कहां रुक गए, ये कहां उतर गए, ये कहां ठहर गए? मैं जब से खेमे में आई हूं मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज सुनाई दे रही। अरे ये कौन सी जगह है, आवाज भी जरा जानी पहचानी है। हुसैन ने सर झुका के कहा ज़ैनब नहीं पहचाना, ये अम्मा फातिमा के रोने की आवाज है, मेरी माँ जो जन्नतुल बकी से यहां तक मेरे साथ आई है। ज़ैनब ने घबरा के कहा लेकिन भैया ये माँ रो क्यों रही है? कहा ज़ैनब यही कर्बोबला है जहां मुझे शहीद होना है, जहां तेरी चादर छीनी जाना है। ज़ैनब तफसील बाद में, अभी बनी असद से बातें जारी है। एक बार हुसैन कबीले बनी असद के करीब आए, कहा कि हमें यहां ठहरना है और ये जमीन हम खरीदना चाहते हैं। बनी असद के लोगों ने हाथ जोड़ दिए, मौला आप हमारे मेहमान हैं, जितने दिन आपका दिल चाहे कयाम करें। हुसैन ने कहा मुझे चंद दिन नहीं रहना, अब तो कयामत तक मुझे यहीं पे कयाम करना है, ये जमीन खरीदी जाएगी। और दो शर्तें हुसैन ने लगाई, आजादारों आपके खाने पीने का निजाम बदल गया, आपके आराम का निजाम बदल गया, आपकी पूरी फैमिली लाइफ बदल गई, मगर एक जुमला आपके लिए काफी है। हुसैन ने कहा दो शर्तें हैं, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है? हुसैन ने अब्बास को याद नहीं किया, हुसैन ने अकबर को याद नहीं किया, हुसैन ने अहले हरम को याद नहीं किया। कहा कयामत तक जब हमारा कोई शिया जायर या जुवार बन के कर्बला में आए, उसे तीन दिन मेरा मेहमान बना के रखना और कहना हुसैन के जायर आका ने कर्बला पहुंचते सबसे पहले तुम्हें याद किया था, हुसैन के मेहमान बनो। और दूसरी शर्त यह है जब लश्कर यजीद चला जाए और जलती रेती पे हमारे लाशें पड़े हो तो हमारे लाशों को इस तरह ना छोड़ना, हमारे लाशों को लाके दफन कर देना। आज भी आशूर की सह पहर आती है तो कफन पहनकर बनी असद का सारा कबीला कंधों पे बेलचे रख के आता है, दौड़ता वाता है आका जो मुहर्रम को आपने हमारे बुजुर्गों से वादा लिया था, अरे हम आ गए। मगर बनी असद बाद में आए, तीन दिन आका को इतना ख्याल था हमारे लाशें बेगोरों को फनना पड़े रहे, इमाम जमाना सलाम कर रहे, मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर जिनका लाशा तीन दिन तक जलती रेती पे पड़ा रहा और कोई दफन करने वाला ना था। अरे मैं आगे बढ़ूंगा और कहूंगा मौला सज्जाद एक मुट्ठी खाक ही बाबा पे डाल देते। सज्जाद अपने हाथों को दिखाएगा, अरे वो जवान बेटा जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हो वो एक मुट्ठी खाक भी डाले तो कैसे।